गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि है परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर का नाम है आपके परमाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और यहाँ तक बात कर ली थी कि परमाणु की स्ट्रक्चर कैसे होती है, परमाणु के में जो कौन कौन से कण पाए जाते हैं। तो इसमें हमने बात करी थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिससे कि इलेक्ट्रॉन की बारे में हमें पता चला, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है। उसी प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन के बारे में बात करी थी, प्रोटॉन का चार्ज और प्रोटॉन का मास, और फिर उसके बाद हमने न्यूट्रॉन के बारे में भी बात कर ली थी। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक न्यू टॉपिक जो कि है परमाणु मॉडल। आज का अपना टॉपिक है परमाणु मॉडल। देखिए बेटा, अपने यहाँ पे अलग अलग साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने परमाणु के अलग अलग मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग मॉडल दिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम तीन मॉडल अपने यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया, और रदरफोर्ड के बाद थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। तो इन तीनों मॉडल के बारे में हम यहाँ से डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल। फर्स्ट आपका परमाणु मॉडल है, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब जैसा कि इसके हमें नाम से ही पता चल रहा है, यह मॉडल किसने दिया था? सर जे जे थॉमसन ने। और थॉमसन कौन थे? थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? सर जे जे थॉमसन। तो परमाणु के बारे में, परमाणु की जानकारी के संबंध में सबसे पहले थॉमसन ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम थॉमसन का परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। अब हम देखते हैं कि उन्होंने क्या मॉडल दिया, इस मॉडल में उन्होंने हमें क्या क्या जानकारी दी, इस मॉडल के थ्रू हमें क्या क्या बताया। तो इन्होंने यह मॉडल कब दिया था? सन 1898 में। तो हम लिखते हैं यहाँ पे सर जे जे थॉमसन ने सर जे जे थॉमसन ने 1898 में 1898 में प्रस्तुत किया। अब यह मॉडल क्या बताता है हमें, इस मॉडल में क्या कहा है? तो इसमें उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है, आपके परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, मतलब कि इसका जो आवेश होता है वो समान होता है। तो परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें जो संपूर्ण धनावेश और जो इसका द्रव्यमान होता है, इसका जो मास होता है, वो इसमें समान रूप से वितरित रहता है। और जो मास और इलेक्ट्रॉन तो इसमें समान हो गया, और इसमें जो बीच बीच में ऋणावेश पाया जाता है वो इनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। तो इस मॉडल में थॉमसन ने क्या बताया कि एक परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है, और इसमें इसका जो द्रव्यमान और जो धनावेश है वो समान रूप से वितरित रहता है, और जो इसके बीच बीच में छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स लगे रहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसी तरह से लगे रहते हैं जिस तरह से एक तरबूज होता है। तो यहाँ पे तरबूज को तो उन्होंने धनावेश माना है, और उसके अंदर जो बीज पाए जाते हैं इन बीजों को उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। तो इस मॉडल को तरबूज मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल के और अन्य नाम भी है, जैसे इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम यहाँ पे एक डायग्राम लेकर समझते हैं। देखिए बेटा, ये आपके एक डायग्राम हो गया। तो यहाँ पे हो गया परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है,
तो यहाँ पे ये इसका द्रव्यमान समान होता है। और यहाँ पे ये इसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये आपके है थॉमसन मॉडल। तो इसे तरबूज के एग्जाम्पल से बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसी तरह से लगे होते हैं जिस तरह से एक तरबूज के अंदर हमें काले काले छोटे छोटे बीज दिखाई देते हैं। तो इसलिए इस मॉडल को, इसके अन्य नाम क्या क्या हैं? तरबूज मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। अब यहाँ पे प्लम पुडिंग को हम समझते हैं कि जो ये धनावेश होता है, इसमें जो धनावेश पाया जाता है उसे तो पुडिंग नाम दिया गया है। और जो बीज होते हैं, मतलब कि जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें पुडिंग प्लम नाम दिया गया है। तो धनावेश को तो पुडिंग, और जो प्लम होता है वो इसमें पाए जाने वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो कि बीज की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो इस मॉडल में थॉमसन ने यही बताया कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिसमें जो धनावेश और द्रव्यमान समान रूप से वितरित रहता है, और इसके बीच बीच में हमें इलेक्ट्रॉन्स लगे दिखाई देते हैं। तो इस मॉडल को डायग्राम से हम आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो ये परमाणु होता है, ये आपके पूरा एक परमाणु है, ये आपके पूरा एक परमाणु है। तो परमाणु में विद्युत के जो धनावेश वाले कण और ऋणावेश युक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से फैले रहते हैं। तो इनकी जो समान रूप से रहते हैं ये संख्या, तो इसलिए ये समान रूप से होने से परमाणु यहाँ पे हमें उदासीन प्रकृति का प्राप्त होता है। मतलब ऋणावेश और धनावेश दोनों बराबर हो गया तो परमाणु कैसा हो गया आपके? उदासीन। तो ये मॉडल में आपको डायग्राम जरूर याद रखना है, और एग्जाम में आपको डायग्राम से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है। तो इस मॉडल के लिए थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था। यहाँ पे हम लिख लेंगे इस मॉडल के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। लेकिन आप, ये जो मॉडल था वो ज्यादा दिन नहीं चला, इस मॉडल में कुछ कमियां देखी गई। अब हम बात करेंगे कि इस मॉडल में कौन-कौन सी कमियां थी। अब थॉमसन का जो मॉडल था, तो थॉमसन के मॉडल के बाद दूसरे साइंटिस्ट द्वारा परमाणु के संबंध में दूसरे नए प्रयोग किए गए, और तथा इन नए प्रयोगों से यहाँ पे हमें अलग-अलग तथ्य सामने आए। इस कारण से इस मॉडल में अनेक कमियाँ देखी गई। अब इस मॉडल की कौन-कौन सी कमियाँ थी, इन कमियों की हम बात करते हैं। कमियाँ, तो थॉमसन ने परमाणु के मध्य भाग में स्थित नाभिक या जो केंद्रक होता है, परमाणु के मध्य भाग में जो केंद्रक पाया जाता है, जिस केंद्रक में कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बारे में उन्होंने कोई भी व्याख्या नहीं की। इनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि परमाणु में नाभिक उपस्थित होता है। तो इनकी फर्स्ट कमी तो यही हो गई।
क्या हो गई कि इन्होंने परमाणु की जो स्थिति होती, परमाणु की जो संरचना होती है उसमें नाभिक की स्थिति के बारे में कुछ व्याख्या नहीं की, कुछ नहीं हमें बताया। तो यहाँ पे हम लिखते हैं थॉमसन ने परमाणु के मध्य भाग में नाभिक को हम केंद्रक भी कहते हैं। केंद्रक की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया। और दूसरी इसकी कमी थी जो है परमाणु में जो कण पाए जाते हैं, उदासीन कण कौन सा होता है, न्यूट्रॉन, और धनावेश कौन सा होता है, धनावेशित कण कौन सा होता है, प्रोटॉन। तो परमाणु में पाए जाने वाले उदासीन जो कण होता है न्यूट्रॉन, उसके अस्तित्व के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो ये इसकी दूसरी कमी हो गई। यहाँ पे इसे भी हम नोट डाउन करते हैं कि परमाणु में पाए जाने वाले पाए जाने वाला जो उदासीन कण होता है न्यूट्रॉन के अस्तित्व का न्यूट्रॉन के अस्तित्व के बारे में भी नहीं बताया। तो ये दो कमियां थॉमसन के परमाणु मॉडल की देखी गई। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है कि परमाणु होता है वो एक समान आवेशित गोला होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो भी समान होता है। द्रव्यमान कैसा होता है, समान, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच बीच में इलेक्ट्रॉन लगे रहते हैं। इसे हम तरबूज के मॉडल से हमने आसानी से समझा था। जैसे कि तरबूज में जो ब्लैक कलर के छोटे छोटे बीज लगे रहते हैं, वैसे उसी प्रकार इसमें ये इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई देते हैं। तो यही आपके थॉमसन का परमाणु मॉडल होता है। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने अपना मॉडल दिया था जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने सेकंड मॉडल की, जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये जो मॉडल था वो थॉमसन के मॉडल से काफी एडवांस था। इससे हमें नए नए तथ्यों के बारे में पता चला, कई अन्य नई नई चीजें हमें सीखने को मिली। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, तो उन्होंने एक अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या क्या वस्तुएं काम ली, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। तो इसे एक बार हम लिख लेते हैं कि इसे हम अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग भी कहते हैं। तो इस मॉडल में उन्होंने सबसे पहले एक अल्फा कण स्रोत लिया जहाँ से कि अल्फा कण निकल रहे थे, एक सोने की पतली पन्नी ली, सोने की फिल्म और एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ली, प्रतिदीप्त पदार्थ।
जो कि प्रतिदीप्त पदार्थ की बनी होती है, जिस जो कि हमें चमकीली दिखाई देती है। तो ये उन्होंने तीन वस्तुएं इसमें काम में ली। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, जिसे ध्यान से देखेंगे सब स्टूडेंट्स। इस डायग्राम से इस एक्सपेरिमेंट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये होता है आपके अल्फा कण स्रोत, जहां से कि अल्फा कण निकलते हैं। उसके बाद उन्होंने बीच में यहाँ पे लगाई सोने की पतली पन्नी, और ये आपके होती है फ्लूरेसेंट स्क्रीन, जो कि यू शेप में पाई जाती है। तो एक बार हम लिख लेते हैं ये क्या क्या है। ये आपके अल्फा कण स्रोत हो गया, ये हो गया आपके सोने की पन्नी, और ये हो गई आपकी फ्लूरेसेंट प्लेट। या इसे फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं। जो कि आपके जिंक सल्फाइड की बनी होती है। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट में हमें क्या बताया, तो देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो इन्होंने अल्फा कण स्रोत से अल्फा के कणों की बौछार करवाई। तो यहाँ से अल्फा कण निकल कर जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कुछ अल्फा कण तो यहाँ से एकदम सीधे निकल गए, ये सोने की पन्नी से टकराकर कुछ अल्फा कण तो सीधे जा रहे हैं, कुछ अपने कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, और कुछ कण ऐसे भी थे जो कि टकरा के वापस लौट रहे हैं, वापस लौट जाते हैं। तो देखिए बेटा, इस एक्सपेरिमेंट ने रदरफोर्ड ने क्या बताया। तो ये मॉडल रदरफोर्ड ने प्रस्तुत किया था, इसलिए इस मॉडल को हम रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं। अब इस मॉडल के द्वारा परमाणु के अंदर जो धनावेश होता है उसकी इन्होंने बात बताई गई। और इस मॉडल में इन्होंने तीन चीजें काम में ली, तो सोने की पतली पन्नी, अल्फा कण स्रोत, और तीसरा है आपके फोटोग्राफिक प्लेट या फ्लोरेसेंट प्लेट। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने जो सोने की पतली पन्नी थी, ये सोने की पतली पन्नी, ये इस पर इन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो इन सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिससे कि अल्फा कण विक्षेपित हुए। इस पन्नी के चारों तरफ उन्होंने फ्लूरेसेंट प्लेट लगाई, जो कि आपके वृत्ताकार शेप में होती है, और यह जिंक सल्फाइड से बनी होती है। जो कि आपके जिंक सल्फाइड क्या होता है, एक प्रतिदीप्त पदार्थ, फ्लूरेसेंट मटेरियल। एक बार लिख लेते हैं ये क्या होता है आपके फ्लूरेसेंट मटेरियल। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या इनको रिजल्ट मिले, देखते हैं। हम बात करते हैं इससे, जैसे जब भी कोई अल्फा कण इस स्क्रीन से टकराता है तो फ्लैश उत्पन्न होता है। ये जो आपकी फ्लूरेसेंट स्क्रीन है, इससे टकराता है तो फ्लैश उत्पन्न होता है, मतलब कि वो हमें चमकीला दिखाई देता है।
तो जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार की तो उन्होंने क्या देखा? सबसे पहले इन्होंने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से विचलित हुए बिना, मतलब विक्षेपित हुए बिना सीधे ही निकल गए। अधिकांश जो आपके अल्फा कण थे, या मान लो यहाँ पे बहुत सारे छोटे 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 अल्फा कण हैं, अब इन अल्फा कण को या इन्होंने सोने की पन्नी पर डाला तो जो बहुत ज्यादातर जो अल्फा कण थे वो बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए, मतलब अधिकांश अल्फा कण सीधे निकलेंगे। और बहुत कम अल्फा कण, मतलब कुछ ही अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए, इतने छोटे कोण से अपनी जगह से विचलित हो गए, और थोड़े से कण, जिसे जैसे हम देखते हैं कि लगभग 20,000 में से एक कण वापस लौट गया, जैसे ये वाला कण था आपका, ये इससे टकराकर वापस लौट गया, कुछ कोण यहीं से वापस सीधे लौट गए, तो ये आपके एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इन्होंने क्या देखा, अधिकांश अल्फा कण तो सीधे निकल गए, एकदम स्ट्रेट लाइन में निकल गए, बहुत कम अल्फा कण, लगभग एक जो अल्फा कण था 20,000 में से, वो बहुत ही कम कोण से अपने जगह से विचलित हुआ। कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो कि टकरा कर वापस उसी दिशा में वापस लौट गए, और 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये जो एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला, अब हम इसके कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने देखा कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है, क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी को पार कर जाते हैं, सोने की पन्नी जो होती है फिल्म, उससे आसानी से निकल जाते हैं। तो ये आसानी से निकल जाएंगे तो इसका अधिकांश भाग हम कह सकते हैं कि कैसा होता है, खाली खोखला होता है। कुछ ही अल्फा कण प्रतिकर्षण जो बल होता है, रिपल्शन फोर्स, उसके कारण विक्षेपित हुए। इससे यह पता चला कि परमाणु के मध्य धनावेश पाया जाता है। जब जो अल्फा कण होते हैं वो भी आपके धनावेश होते हैं, धनावेशित होते हैं, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में आपस में रिपल्शन होगा। फिर थर्ड जो था, ये रदरफोर्ड ने गणना करके ये बताया कि परमाणु के जो नाभिक का आयतन होता है वो परमाणु के कुल आयतन की जो कंपेरेटिव नेग्लिजिबल होता है। तो रदरफोर्ड ने गणना करके हमें क्या बताया कि जो परमाणु, एक परमाणु होता है आपके, इसमें नाभिक पाया जाता है, ये केंद्रक, तो परमाणु का यहाँ पे परमाणु के आयतन और नाभिक का आयतन, तो नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु के आयतन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, मतलब नगण्य होता है। तो यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से तीन कंक्लूजन निकले। फर्स्ट क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश जो भाग होता है वो खाली होता है, क्योंकि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी को इजीली पार कर जाते हैं, और कुछ ही जो अल्फा कण होते हैं वो रिपल्शन फोर्स के कारण विक्षेपित हो जाते हैं। इससे हमें एक बात पता चली थी, क्या बात पता चली थी, कि परमाणु के मध्य भाग में धनावेश पाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। और रदरफोर्ड ने यह भी बताया कि परमाणु के जो नाभिक का आयतन होता है, यह परमाणु का नाभिक पाया जाता है, यह परमाणु का नाभिक होता है, परमाणु के नाभिक का जो आयतन होता है वो परमाणु का टोटल आयतन की जो तुलना में नेग्लिजिबल होता है। तो एक बार हम लिख लेते हैं कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, मतलब कि अल्फा कणों को बौछार करवाई, जैसे ही सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कराई तो इससे क्या क्या हमें परिणाम प्राप्त हुए, तो इनको हम एक एक करके लिखते हैं। जब उन्होंने सोने की पन्नी पर
अल्फा कणों की बौछार की तो देखा कि इन्होंने क्या क्या देखा। सबसे पहले इन्होंने देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे ही निकल जाते हैं। सेकंड आपके क्या था? बहुत कम अल्फा कण बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। उसके बाद थर्ड आपके था। थर्ड हम बात करते हैं कुछ कण, लगभग 20,000 में से एक कण, 20,000 में से एक वापस उसी पथ से लौट गया। एंगल पर? 180 डिग्री के एंगल पर। जैसे कि कोई कण आया और आकर वापस लौट रहा है तो ये कितना एंगल बन रहा है आपके? 180 डिग्री। वापस उसी पथ से लौट गया। एंगल कितना था? 180 डिग्री के कोण पर। तो इससे ये आपके रिजल्ट निकले। इसे हम एक बार रफ डायग्राम से और समझ लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, कि जैसे ही आपके सोने अल्फा कण स्रोत है, यहाँ से अल्फा कण निकलेगा, ये आपके सोने की फिल्म, सोने की पन्नी। तो यहाँ से जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार कराई तो अधिकांश जो आपके अल्फा कण थे वो तो सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण आपके सीधे निकल गए। बहुत कम अल्फा कण जो बहुत छोटे से कोण से विक्षेपित हुए। जैसे या आपके कोई कण आया, ये ऐसे विक्षेपित हो गया। और कुछ जो आपके अल्फा कण थे वो वापस यहाँ से आ रहा है और वापस उसी पथ पर वापस लौट गया। तो आपके ये एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। कुछ अल्फा कण आए और वापस लौट गए, कुछ अल्फा कण यहाँ से टकराकर वापस निकल गए। तो ये आपके रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था। अब यहाँ से रदरफोर्ड ने परमाणु के त्रिज्या की साइज और परमाणु के नाभिक की साइज हमें बताई, जो कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है और परमाणु में जो नाभिक पाया जाता है तो इस नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। देखिए बेटा, ये आपके एक हो गया परमाणु, तो ये आपके परमाणु की त्रिज्या ये कितनी होती है आपके?
10^-10 मीटर, और इसमें आपके नाभिक पाया जाता है। तो ये हो गई आपके नाभिक की त्रिज्या जो होती है 10^-15 मीटर। ये वैल्यू आपको, दोनों वैल्यू आपको याद रखनी है। तो इससे हमें, अब जो हमें रिजल्ट मिले, इन जो रिजल्ट के आधार पर रदरफोर्ड ने एक और मॉडल दिया जिसे परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं रदरफोर्ड के परमाणु के नाभिकीय मॉडल के बारे में। तो हम बेटा यहाँ पे लिखते हैं परमाणु का नाभिकीय मॉडल। ये मॉडल हमें क्या कहता है देखते हैं हम। ये मॉडल भी रदरफोर्ड ने दिया। ये जो आपका एक्सपेरिमेंट था अल्फागन प्रकीर्णन प्रयोग, इसी एक्सपेरिमेंट से आपके ये एक और मॉडल निकल कर आया है। तो इस मॉडल में उन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु पर धनावेश पाया जाता है, परमाणु का जो पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, तथा परमाणु का जो अधिकांश द्रव्यमान होता है, परमाणु का पर जो पाया जाने वाला पॉजिटिव चार्ज और इसका मास, वो एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस छोटे से क्षेत्र को इन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु का नाभिक। क्या कहा, परमाणु का नाभिक। ये आपके होता है परमाणु, और ये आपके परमाणु में क्या पाया जाता है, एक छोटा सा क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक। और यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, आपके धनावेश और परमाणु का द्रव्यमान। पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है आपके और परमाणु का द्रव्यमान, ये आपके हो गया एक परमाणु। तो परमाणु में एक अल्प क्षेत्र में एक छोटा सा नाभिक पाया जाता है। तो नाभिक के बारे में भी सबसे पहले हमें रदरफोर्ड ने ही बताया। और नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं, मतलब कि वृत्ताकार गति करते हैं, लगातार वृत्ताकार गति करते हुए घूमते रहते हैं। तो ये जो आपके सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर वृत्ताकार जो पथ हो गया, इसको हम क्या नाम दिया इन्होंने, कक्षा। तो ये हो गया आपके नाभिक, और नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन, तो जहां ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एक वृत्ताकार पथ में, ये वृत्ताकार पथ में लगातार घूमते रहते हैं। तो जो वृत्ताकार पथ होता है इसे इन्होंने क्या नाम दिया, कक्षा। तो देखिए बेटा ये क्या हो गई आपके, कक्षा। तो नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार कक्षा पाई जाती है, ऑर्बिट। इंग्लिश में कक्षा को क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो रदरफोर्ड का जो ये मॉडल है वो सौर मंडल से मिलता जुलता है। इसे हम सौर मंडल के एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। इसमें आपके जो सूर्य हो गया वो तो नाभिक हो गया, नाभिक को इन्होंने क्या नाम दिया, सूर्य। और इसके चारों ओर जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन को उन्होंने ग्रह से समझाया कि जैसे कि एक सूर्य होता है, उसके चारों तरफ ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, सेम उसी प्रकार नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में लगातार चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस मॉडल के बारे में हम लिखते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आपके परमाणु का जो धनावेश तथा अधिकांश जो द्रव्यमान होता है एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है। इस छोटे से क्षेत्र को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु का नाभिक। परमाणु का धनावेश, परमाणु पर पाया जाने वाला धनावेश तथा द्रव्यमान। परमाणु का धनावेश तथा
अधिकांश जो इसका द्रव्यमान होता है, अधिकांश द्रव्यमान एक बहुत ही अल्प क्षेत्र में, एक अति अल्प क्षेत्र में, अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, जिसे इन्होंने परमाणु का नाभिक नाम दिया। जिसे परमाणु का नाभिक कहा गया। क्या कहा? परमाणु का नाभिक। सेकंड हो गया आपके, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में सर्कुलर पाथ पर मोशन करते हैं, सर्कुलर पाथ वृत्ताकार पथों में घूमते रहते हैं। जिन्हें क्या नाम दिया? जिन्हें कक्षा कहते हैं, ऑर्बिट। तो यहां से हमें, देखिए बेटा, यहां से हमें दो बातें पता चली। सबसे पहले परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक के बारे में, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन पाया जाता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू सर्कुलर मोशन करते रहते हैं, तो इस सर्कुलर मोशन को इन्होंने ऑर्बिट नाम दिया। इसे हमने सौर मंडल का एग्जाम्पल लेकर भी समझा कि सौर मंडल में सूर्य होता है और सूर्य के जो चारों तरफ ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, तो जो ये चक्कर लगाते हुए ग्रह, इनको इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की कक्षा कहा। अब आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और ये नाभिक, ये दोनों आपस में एक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इस फोर्स को उन्होंने क्या नाम दिया? स्थिर वैद्युत बल। कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत बल। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक दोनों के बीच में कौन सा बल पाया जाता है? स्थिर वैद्युत बल। तो ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में पाया जाने वाला बल कौन सा होता है। स्थिर वैद्युत बल। अब इस मॉडल के, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, इस मॉडल में हमें कुछ कमियां भी देखी गई। तो इस मॉडल में कौन-कौन सी कमियां थी, उनके बारे में बात करते हैं कि रदरफोर्ड के मॉडल में कौन-कौन सी कमियां रदरफोर्ड के बताई गई। तो ये जो मॉडल है, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है, वो परमाणु के स्थायित्व को नहीं बताता कि परमाणु का स्थायित्व कितना होता है।
पहले इसकी कमी क्या थी कि यह परमाणु के स्थायित्व के बारे में हमें नहीं बताता, और जो लाइन स्पेक्ट्रम होती है तो स्पेक्ट्रम के बारे में यह एक्सपेरिमेंट हमें कुछ भी नहीं बताता। इस मॉडल में स्पेक्ट्रम के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता। तो आपके यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया है स्पेक्ट्रम, तो इसी चैप्टर में हम स्पेक्ट्रम के बारे में डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इस मॉडल की कमियाँ देख लेते हैं एक बार कि इस मॉडल में क्या क्या कमियां थी। फर्स्ट कमी क्या थी कि यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए। रदरफोर्ड जो थे वह परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाए। सेकेंड कमी क्या थी कि यह लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं बता पाए। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने अपने इस मॉडल में स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और थर्ड था जो यह मॉडल आपके परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है उसके बारे में व्याख्या नहीं करता। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में आपको कुछ भी नहीं बताता कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर कैसे विद्यमान होते हैं और इनकी ऊर्जा क्या होती है। तो थर्ड इसकी कमी क्या देखी गई कि यह मॉडल परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में नहीं बताता। परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना के बारे में नहीं बताता। तो इस मॉडल में ये कमियां पाई गई जिससे कि अर्बोर ने अपना आगे एक और मॉडल प्रस्तुत किया गया जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमने बात करी है सबसे पहले थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कि थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या होता है। थॉमसन ने परमाणु को एक समान आवेशित गोला माना है कि परमाणु एक समान आवेशित गोला होता है जिस पर धनावेश और इसका द्रव्यमान जो होता है वो समान रूप से वितरित होता है। गोले में जो धनावेश होता है वो समान रूप से पाया जाता है और इसके बीच बीच में हमें क्या लगे दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए दिखाई देते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं इसे उन्होंने एक बहुत ईजी से एग्जाम्पल लेके समझाया, जैसे कि हमें तरबूज के एग्जाम्पल से समझा था कि हम तरबूज की संरचना देखते हैं तो जो इसमें रेड कलर का जो पार्ट होता है तरबूज में वो क्या होता है, उसका धनावेश होता है, इसका मास होता है और इसमें धनावेश पाया जाता है। और जो छोटे छोटे बीज लगे रहते हैं ब्लैक कलर के उसको इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। तो इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, तो रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन का जो प्रयोग किया गया तो ये प्रयोग उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अल्फा कण स्रोत लिया, उस पर उन्होंने उससे उन्होंने सोने की जो पतली पन्नी होती है उस पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। तो ये जो उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई तो उससे उन्होंने रिजल्ट देखा कि उन्हें क्या क्या रिजल्ट प्राप्त हुए। तो उन्हें तीन रिजल्ट मिले थे कि अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, मतलब बिना विक्षेपित हुए, अपने कोण से विचलित हुए बिना सीधे निकल गए, सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में। और कुछ जो अल्फा कण थे वो बहुत ही कम एंगल से, बहुत ही कम कोण से विक्षेपित हुए
और कुछ अल्फा कण सोने की पन्नी से टकराकर वापस अपने दिशा में वापस लौट गए 180 डिग्री के कोण से। तो ये उन्होंने परिणाम निकाले। इन परिणामों को देखते हुए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल से परमाणु के बारे में कुछ निष्कर्ष भी निकाला, और इन्होंने निष्कर्ष निकाल के परमाणु का एक मॉडल दिया जिसे हम परमाणु का नाभिकीय मॉडल भी कहते हैं। तो परमाणु के नाभिकीय मॉडल में इन्होंने परमाणु में एक नाभिक पाया जाता है, तो नाभिक के अस्तित्व के बारे में बताया कि परमाणु में जो धनावेश होता है वो एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है, तो इस छोटे से क्षेत्र को उन्होंने नाभिक नाम दिया। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, और इस पथ को उन्होंने कक्षा नाम दिया। तो यहाँ पर हमने डिटेल से बात करी है फर्स्ट परमाणु के थॉमसन मॉडल के बारे में, और सेकंड बात करी है हमने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स।